हेलो, सबसे पहले ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए दो भाई, और ये घंटी दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मैं हूँ निशान बारिया दो भाई से। आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी, और हम लोग जा रही है पूरी फैमिली, मतलब फैमिली में बुआ, चाचा, फूफा, ताऊ, मामा सब जा रहे हैं। तो पूरी जर्नी को मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आज मैं भी जा रहा हूँ, मेरी वो जैकेट उधर पड़ी है, मैं अभी ऐसा लगा। और ये रहा सारा सामान, ये सबसे पहले तैयार हो गए और यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये भूल गया, अब मैंने इसका याद दिला दिया। तो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े अपने टमटम में, दे तो ये जा रहे पहुंच गए स्टेशन। ये रहे सब, ये सब फोटो वोटो खिंचवाएंगे। पीछे आपको दिखेगा रेलवे स्टेशन, अभी नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा। ये खड़े सब, ये शुभम की बिंदनी, ये शुभम, मम्मी, मेरी बड़ी भाभी, मामा, ये तो वही शुभम की बीवी, पीछे अंकल, ये अंकल की बीवी मेरी बुआ, ये बेटा बुआ का नहीं नताशा का, वो आएगी अभी। ये इधर सब सामान पड़ा हुआ है, अब हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और हमारा है B6। ट्रेन अभी तक आई नहीं, खड़ी भी है वो पीछे की तरफ, लेकिन आएगी अभी, तो टाइम लगेगा। अब बैठ के करते हैं सीधा बात। ये सब घर की बहुए, पीछे इतना समूह निकाल के खड़े हो रहे हैं, इनको लगा है फोटो खिंच रही है, लेकिन यहाँ ब्लॉग बन रहा है। ये है आदित्य, ये बंटी भैया का लड़का है। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, क्या है एस्थेटिक। तो भाई हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं, पहले हम लोग वो तो हम डिसाइड करेंगे थोड़ी देर में, वो अभी डिसाइड हो जाएगा, कोई नहीं बैठ रहा, पूरी बोगी हमारी है। ये देखो आधे लोग यहाँ बैठे हैं, मम्मी हेलो, आधे लोग इधर है, एक ऊपर है, ये देखो ये भी बना रहे, ये का सेल लगा रखी है। ये तो बड़ी खाली है जगह। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी यूज मत करना इसका, कितना परसेंट है? अच्छा मैंने कर लिया था भाई, मैं ट्रेन के भरोसा आ रहा हूँ। ये खाना आ चुका है, ये हमारे घर से पैकिंग करा के आए हैं, ये पुलाव लाए हैं, अभी हम चम्मच का वेट कर रहे हैं, खोलते ही सब लोग टूट पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को लग रही है बहुत भूख, और चम्मच भी आ चुके हैं, अब हम सब खाएंगे। ये देखो इसको भी भूख लग रही है बहुत, तुम तो पूरा खा जाओगे। ये एक हमारे, हाँ तो ये पूरा बिजली विभाग से आया लेकर आए हैं सामान, क्या बोल रहे पोर्ट, बिजली विभाग वाले। अब एक चीज हमारे साथ लॉल हो गया, ये जितने भी पोर्ट हैं चल नहीं रहे, इसमें बिजली नहीं आ रही, कोई नहीं हम उसको बोल देंगे वो चला देगा पता नहीं। और ये सब हो गया ऐसी काम, खाना हो गया पूड़ी, सब्जी, और ये एक नंबर बनी है, मस्त मजा आ गया खा के। और ये चटनी, एकदम महिला मंडली अपनी वार्तालाप करते हुए सबके सब, ये बीच में महिलाओं के बीच में घुसा हुआ है, तो ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ये रहा, ये अपनी महिला से मिल रहा है, मैं अपने बच्चे मैं अंकल बोल रहे हम भी हैं, हमारी भी बना लो, वो भी, ये भी है, ये तेरा है, ये अपना घर से लेके आया है,
ये तो जिम करेगा अभी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा और अभी बज रहे 5:30। ठंड हो रही है और अभी हम लोगों ने कुछ ब्रश ब्रश नहीं किया, तो अब हम अपने होटल में जाके ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे धोएंगे फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। अभी कुछ नहीं, अंधेरा हो रहा है और ये देखो सब लोग पूरे पैक हो रखे, ये पूरी फैमिली आ रखी है मेरी, ये देखो ये सारे टोपों में बैठे हुए, टोपे पहन पहन के मोटी मोटी जैकेटें। ठंड बहुत हो रही है, ठंड नहीं है बिल्कुल नहीं। ये देखो बड़े ठंड नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल ठंड नहीं, नहीं ठंड नहीं है, गोले कह रहा ठंड है, गोले बन के बैठे हुए कौन कह रहा ठंड नहीं। पता है हवा चल रही है हल्की हल्की, एक तो खुला है उस वजह से। अरे नहीं जो ओढ़ ओढ़ के पड़े हुए बड़े ठंड नहीं हो रही। सनराइज होने वाला है, इधर हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, सामान हमारा पड़ा हुआ है, बोल रहा है वो 5 मिनट में आएगा। अब देखो कर रहे हैं वेट और इधर लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया है, तंदूर में कोयले डल गए, हो चुके हैं तैयार। अब हम कर रहे हैं चढ़ाई, ये खाने का सामान। सबसे पहले हम लोग अपने पास बनवाएंगे और अभी लाइन लगाएंगे, उधर काफ़ी भीड़ हो रखी होगी। ये पहनी है मैंने जैकेट क्योंकि हो अभी तो खैर ठंड नहीं हो रही, अभी थोड़ी धूप निकली हुई है। अब सब लोग जा रहे हैं पास बनवाने, मैंने टोपी भी रखी। मेन मार्केट है ये, मैगी मैगी, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। पतले पतले से रोड से, और ये हम सब लोगों ने पास बनवा लिया है, सब लोग पास बनवा के आ रहे हैं। ये इधर काउंटर है, आज भीड़ नहीं है, इससे ज़्यादा भीड़ स्टेशन में थी, अच्छा हम इधर आ गए क्योंकि इधर सारे काउंटर खाली पड़े हैं। ये देखो बोरे सुनो मेरी फ़ोटो क्लिक करना, अब इनकी फ़ोटो ही क्लिक होती रहेंगी। अब हम लोग खाने पीने रुके, मतलब सुबह का खाना हम लोग एक ढाबे जैसे उसमें रुक के खा रहे हैं और इधर हमारी पूरी फैमिली रुकी है। हम इधर रुके हैं और इधर हम सब खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ देखा, हम बोल रहे हैं चाय ऐसी बनाओ कि याद करे कि चाय बन गई। ऊंची चाय पिला दी भाई, ऊंची चाय पिला दी। जब लोगों ने पराठा ऑर्डर करवाया है, ये है आलू का और ये मक्खन हमारा है, या मक्खन हमने डाला है। कैसा है, कैसा लगा? अब मैं खा के देखूंगा। ये मैंने बच्चों का चश्मा ले लिया, रस भी है, रस ले ले ले। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों हमारी चढ़ाई हो चुकी है शुरू और यह हम जा रहे हैं ताराकोट मार्ग से, इधर बच्चों को हमने बिठा दिया है और धूप हो रही है, हवा भी चल रही है, मतलब अच्छा मौसम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, हवा भी आ रही है, धूप भी लग रही है, बैलेंस हो रहा है मस्त। और ये सब लोग पीछे आ रहे हैं, ये मेरे बड़े मामा जी, जय माता दी। पीछे जो भी भीड़ दिख रही है मेरे परिवार वाले सब आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। जय माता दी, जय माता दी। ये जा रहे, ये हमारी पहली यात्रा साथ में वैष्णो देवी में। अब चलो अब चढ़ना है 14 किलोमीटर ताराकोट मार्ग। मेरे ख्याल से सब लोगों का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद में बोल रहे अब 2 जा रहे हो, अगली बार 3 जाना। तो ये 16 किलोमीटर है, भला ये कुछ किलोमीटर ज़्यादा है, कोई बात नहीं हम वो भी चढ़ जाएंगे। ये टूरिस्ट हमारे साथ आया है, मुंबई का टूरिस्ट, फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इन होश। ये रहो ये अभी से थक गए, दो कदम चले सिर्फ और ये बोरे कितनी दूर है, पर एक मोड़ मुड़े। हम चढ़ चुके हैं काफी ज्यादा
अब 800 मीटर पे लंगर है, आधे जने पीछे आ रहे आधे आगे जा रहे हैं, हम बीच में चल रहे हैं। हल्का सा थक गया मैं, मतलब हम लोग 2 किलोमीटर चले हैं अभी तक। ये लिखा हुआ है ताराकोट 2 किलोमीटर, अधकुआरी बची है 5 किलोमीटर। ये रास्ता, ये है सेल्फी पॉइंट, इधर फोटो उठा के जाते हैं। ये मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, इधर सेल्फी वगैरह लेकर हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से सेल्फी दिलवाई ये थके हुए लोग। मैं देखो कितनी फुर्ती में जा रहा हूँ, ये देखो इधर भी थके हुए बैठे हुए, ये देखो थक गए। क्या हुआ देखो, यहाँ आपको दिखेगा मैकडी, पिछली बार ये बन रहा था, अब ये खुला हुआ है मैकडी। यहाँ पर ना प्याज होगा ना लहसुन होगा, प्योर वेज मिलेगा मैकडी में, ओनली 165। चलो हम लोगों ने ऑर्डर कराया। हाँ, और बाहर का व्यू है कुछ इस तरह से। कोक, इधर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफी, ये अलग। तेरा अब इससे खाया नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा तो बांट रहा है ये। हाँ, ये एक जगह है सेल्फी पॉइंट। हमें जाना है उस पहाड़ के पीछे, अब हम यहाँ पर फोटो वोटो क्लिक कराएंगे। इधर लंगर होता है और लंगर का खाना बड़ा मस्त होता है। अभी हम लोग खा नहीं रहे इधर क्योंकि लेट हो जाएंगे, आते हुए खाएंगे कोई बात नहीं। लेकिन मैंने पहले लंगर खाया हुआ है, बढ़िया बनता है इधर और मस्त। ये देखो, ये देखने के लिए रुक गए, ये पहली बार देख रहे हैं ये सब चीज़ें। तो भाई लोग, हम लोग यहाँ खीरा और अमरूद खाने आए हैं। वो उधर रुके हुए खीरा अमरूद खाने के लिए, अभी तक आ रहा है। और हमें लग रही है गर्मी, लेकिन हवा भी चल रही है तो थोड़ा मैनेज हो रहा है बढ़िया तरीके से। बीच बीच में रुक रुक के चल रहे हैं खाते पीते। आए खीरे की प्लेट लेके जाइए, अमरूद अपने साथ शुरू से लास्ट तक, ये बिल्कुल लास्ट तक आएगा। हमारा एक मित्र बन चुका है। थक गया यार इतनी जल्दी तो चल। धमका रहे देखा। रास्ते में साफ सफाई भी होती जा रही है, जो गिरा हुआ है सब। पहाड़ इधर से पानी आता है, अभी तो खैर धूप हो रही है। आगे ढोल वाले भी हैं, ये देखो पेड़ काटा रहे। इधर भी जाट गुजर लिखा पड़ा है, त्यागी पहले आए, ये चलो जय श्री राम। पहले भी आए थे तो इधर लिखे हुए थे, सुधरते नहीं है हमारे इधर के लोग ना, ये सब लिख के शिखा पूरी चीज नाश कर देते, फिर बोलते सरकार कुछ काम नहीं कर रही। सरकार कितना काम करेगी जब हम भी इनका साथ नहीं देंगे। ये सब बंद करो लिखना विखना, साफ रखो अच्छा रखो। बाकी चीज़ें देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अरे बीकानेर वाले पे हमारे दोस्त घर वाले बैठे हुए, ये बैठे, साइड हो जाओ साइड हो जाओ। एक तो इधर ये गाड़ियाँ आती रहती है, ओए साइड हो जा। हम इधर बीकानेर वाले पे रुके हुए सब लोग। यारे बच्चों को हमने इसमें बिठाया हुआ है, देखो देखो इसको देखो।
जा रहे। ये बकता चाचू चाचू ये देखो ये बैठा हुआ ये हमारा पंचू सबसे पीछे आता आगे आगे जान बच के सारे बच्चों को हमने इसमें बिठाया हुआ है बाकी आ रहे पीछे सो रहा है तो ये सो चुका है और शुभम डॉली जीजू हो रहे चलो ये बड़े बड़े पत्थर जो गिरते हैं उसको रोकने के लिए है बड़ी बड़ी जालियां ये देखो ये पत्थर गिरे हुए पूरा ताकि रास्ते पे पत्थर ना गिरे बोदरी अटक के रह जाए सही जगह जहाँ पर हमने फोटो क्लिक कराई थी बहुत पहले और ये पहाड़ और ये इधर ही खड़ी थी आज भी इधर ही खड़ी है और हम इतनी ऊपर आ चुके हैं नीचे से और ऊपर है अधकुआरी आखिरकार हम अधकुआरी तक पहुंच गए चलो अधकुआरी भवन जाने का रास्ता ये रहा मैप यहाँ का कटरा जाने का हिमकोटी मार्ग चलो ऊपर तो रास्ता आधा हो चुका है कैसा लग रहा है कितना थक गए रास्ते के साथ हम भी आधे हो चुके हैं चल रहे हैं बस चलो जय माता दी यहाँ से भवन 5 किलोमीटर है जितना आए थे उतना वापस चलो 5 किलोमीटर अभी और चढ़ाई चढ़नी है जय माता दी चढ़ेंगे हम 200 पॉइंट हिमकोटी पहुँच चुके हम तेरा तो इधर खा रहे यहाँ बैठ खान पान ये डोसा वोसा खा रहे हैं और ये लोग वेट कर रहे हैं ये हम लोगों ने 3 राजमा चावल की प्लेट ली और एक पानी की बोतल 150 रुपये में आया सब कुछ और इधर से सामान मिल रहा है सब राजमा चावल मिला नॉर्मल है ठीक ठीक है बाकी चीज़ों से अच्छा है और इधर ये कैश काउंटर है इधर से पर्ची कटाओ खाने पीने की जो भी चाहिए और अंदर जाके लो सामान और फिर इधर पूरा टेबल वेबल लगी हुई है पेड़ के नीचे पेड़ तो क्या ढक रखा है इधर खाओ अंदर भी जगह है खाने की सुनो ने दिए आम पापड़ के चूरन और हम लोग इसको खा के अपना टेस्ट और अच्छा कर रहे हैं बोतल ये रही बोतल ओहो ये रही बोतल ये एक और चेक पॉइंट भवन के लिए हिमकोटी का चेक पॉइंट भवन आने वाला है 1.5 किलोमीटर ही रह गया होगा हाथ में बस खाली पानी की बोतल है ये आगे भर लेंगे बाकी सब लोग पीछे हम ही आगे हैं हमसे मतलब एक ये अब तो बस पहुंचने वाले हैं खुशी हो रही है कि जितनी जल्दी हमने चढ़ाई कर ली लगा नहीं था मेरे को लगा था 6-7 बज जाएंगे मैं भागता हुआ है लेता हुआ पसीने भी आ गए ये देखो जैकेट से बाहर आ रहे पसीने और मौसम ठंडा है गर्म नहीं है हवा चल रही है अब बस बर्फ़ नहीं मिली अब बर्फ़ नहीं गिरी क्योंकि धूप निकल गई अगर धूप वूप नहीं होती तो बर्फ़ पक्का था कोई बात नहीं ऐसे भी मज़े आ रहे देखो रास्ता धूप आ रही है हवा चल रही है हल्की हल्की लोग आ रहे जा रहे हैं भवन रह गया 1 किलोमीटर भवन है इधर भवन इतनी दूर रह गया यहाँ से जा रहा है रास्ता बस एक चक्र और हम लोग सीधा भवन में इसके पीछे अभी बंदर लग गया था किसी ने इसके बैग में बिस्किट डाल दिया इसको पता ही नहीं कि बिस्किट है ये बोल रहा है क्यों पीछे पड़ रहा है बंदर फिर कैसे तैसे द
बैटल होने वाली थी। तो हम लोग भवन पहुंच चुके हैं, यहाँ पीछे देख सकते हो भीड़ बहुत है और बर्फ भी पड़ी हुई है ऊपर, बिल्कुल मतलब नीचे भवन में नहीं पड़ी। ये मैंने पूछा था इधर, वो बोल रहे कि भैरव मंदिर में मिल सकती है हल्की फुल्की, चलो देखते हैं। अब उधर भी होता तो हम कल जाएंगे। और इधर हम पहुंच गए, बाकियों का वेट कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सब लोग हैं और ये ऊपर, ये बर्फ कह रहा हूँ मैं जो ऊपर है ना, ये गिरी हुई बर्फ, बर्फ मजे ही मिली है इधर। ट्रॉली ये रो रहे, हमें को ट्रॉली में बैठना है, ट्रॉली में, ट्रॉली पैदल जाएंगे, हम पैदल जाएंगे पैदल। तो यहाँ से भवन दिख रहा है और ये हमारा रूम है जो कि है गौरी भवन, यहाँ पर हमको मिले रूम। और मैं आपको रूम अंदर से दिखाता हूँ, रूम जो है वो इस तरह से है, ये बेड, ये हीटर और पर्दे, बीवी, इधर टेबल, घड़ी और इधर ये वार्डरोब और इधर है ये वॉश बेसिन, वॉशरूम, टॉयलेट। इधर काफ़ी अच्छा है और नीट एंड क्लीन है, एकदम बढ़िया है। और ऐसा नहीं है कि गद्दे खराब हो, मस्त सोने लायक बढ़िया है, अच्छा है रूम। अब हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, फिर उनको हम लोग चाबी देंगे और उनको रूम में सेट करके सामान हम लोग रख के फिर दर्शन करने जाएंगे। फिर उसके बाद हम इधर आके सो जाएंगे, फिर हम भैरव मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए अगले दिन। चलो अब वेट करते हैं, अब जब आते हैं तो चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए सामान लेके और फ़ोन वगैरह सब हम लोग इस रूम में लॉक करके जा रहे हैं। अब दर्शन करके वापसी आएंगे, फिर वीडियो बनाते हैं क्योंकि अंदर कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है, बेल्ट वेल्ट सब इधर लॉक करके जा रहे हैं। मिलता है सीधा दर्शन के बाद। हेलो गाइस, हम लोग दर्शन वगैरह सब करके आ गए, बड़ी भगदड़ मची, भगदड़ मतलब हमारी, मतलब ऐसे भगदड़ नहीं मची, हम लोगों ने बड़ी भागदौड़ करी। ये रूम नंबर की पर्ची सबको हमने बिठा दिया, सब हो गए। ये हमको मिला है रूम नंबर 12 और 13, 13 में लोग जा नहीं रहे, बोल रहे रूम नंबर 13। मैंने बोला अरे माता का घर है, कहाँ डर रहे हो, तो मेरे को भी नहीं सोने दे रहे ये लोग। और ये देखो ये आया, पिज़्ज़ा खा रहा है, हम लोग पिज़्ज़ा पैक करा के लाए। और एक चीज़ और बढ़िया दिखाता हूँ, सामने ही भवन माता रानी, देखा है इतना अच्छा व्यू कहीं दिखा है। अरे ये देखो बर्फ, देखो बर्फ है, ये सब बर्फ है। अब मैं अंदर दिखाता हूँ इनको, रूम नंबर 12 मेरे। अब कल हम जाएंगे भैरव मंदिर जो है यहाँ से बस 2 चक्कर दूर है, तब तक के लिए गुड नाइट, अब मिलते हैं कल सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग, हम उठ चुके हैं। ये देखो बाहर का नज़ारा, ये हमारा भवन, बर्फ अभी भी जमी पड़ी है, हमने उठा के देखी है तो बिल्कुल सिल्ली हो रखी है, सिल्ली दिखाता हूँ मैं, एक बर्फ उठा के थोड़ी वैसी हो रखी है मेरी। अब हम इधर फोटो वोटो क्लिक करेंगे, ये देखो ये रहा। और इन पहाड़ों पे तो अभी धूप निकली हुई है, ये देखो बर्फ जो है वो उस पहाड़ पे है, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये बर्फ है, मतलब इतनी बर्फ है बस, अब और भी पड़ रही है। अगर रास्ते में पड़े बर्फ तो मैं दिखाऊंगा, दिखाता जाऊंगा रास्ते में। बाकी मौसम अच्छा हो रहा है, धूप अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, वो सामने वाले पहाड़ पे ही है, हवा चल रही है। चलो बर्फ से खेल रहे हैं, बस यही है एक छोटी छोटी बर्फ, ये आए तैयार हो के। दस बजे करीब हम लोग चेकआउट कर लेंगे, फिर हम निकल जाएंगे भैरव बाबा के लिए, जो कि है बस थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ से, वो हम चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हमारे गुप्तचरों के न्यूज़ से पता चला है कि ऊपर बर्फ गिरी, हम बर्फ देखने जा रहे हैं।
आ जाओ, कहाँ से जाना है? ये रास्ता जा रहा है छत पे, चलो। कहाँ है छत? कहाँ है बर्फ? वरी इधर। तो भाई इधर बर्फ तो है नहीं, ये बोल रहे थे बर्फ गिरी है, कूड़ा गिरा हुआ है, ये इसको बर्फ सोच रहे होंगे। कुछ नहीं गिरी यार, ये वेट कर रहे हैं जी, अब तैयार हो रहे हैं। एकदम से खड़ा हो गया ही। अब ये सब तैयार हो रहे हैं, बज रहे हैं 10 बजने वाले, चेकआउट का टाइम हो रहा है। 20 मिनट पड़े हैं। भाई रास्ता भैरव मंदिर 67 सीढ़ियाँ है, मेरी तो हिम्मत नहीं है सीढ़ी चढ़ने की। ये मेरे को लेके जा रहे हैं जबरदस्ती, ये मेरे को लेके जा रहे हैं। ये मैंने टोपा पहन लिया, हवा चल रही है, हम चल रहे हैं। चलो धीरे धीरे चलो, बर्फ गिरी हुई है एरी, हल्की हल्की पिसलेंगे इसमें। चलो चलो, जान लग रही है चढ़ते हुए। मेरे तक घुटनों ने जवाब दे दिया। चिकनी है, चिकनी पिसलने वाली है, पैर पिसलने वाली है बिल्कुल। ये गिरी हुई जम गई नहीं, ये सब जम गई। आधे रास्ते आ गए और मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया, दुख रहे हैं बड़ी तेज। और रास्ते में हमको बर्फ मिल रही है, जैसे कि ये भी देखो नीचे दिख रही होगी सफ़ेद, इन रास्तों पे नहीं है। चलो एकदम खड़ी चढ़ाई ये तो, अरे बर्फीली जगह, ये सब बर्फ। इधर बर्फबारी हो रही है, एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे। गेरी बर्फ ये ओ, अरे तो बहुत बड़ी है। तेज मार रहे लोग, बड़ी तेज मार रहे लोग, अड्डे मार रहे उठा उठा के, पत्थर मत मार देना। देख कितना बड़ा मारा है। वो देखो वो देख कितनी बड़ी बर्फ लेके आए। रुको ओए ओ ये लो कैच करो। कैच करा रहा हूँ, ये फेंक रहे हैं लोग। अब काम मार रहा है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। चलो हम लोग जा रहे हैं, हाथ पांव ठंडे हो गए। भैरव बाबा के दर्शन करके हम आ चुके हैं ऊपर,
मतलब ऊपर ही होते दर्शन तो। और अब हम इधर फोटो वोटो क्लिक करा के उतराई करेंगे। भीड़ देखो यार, भीड़ आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है, भीड़। और इधर से भैरव बाबा का रास्ता, अरे भैरव बाबा के मंदिर। और ये रहा, ये सब मेरा सब्सक्राइब कर करो। मैं आज का व्लॉग, आज भी मतलब बहुत पुराना व्लॉग है तो मैं उसे एडिट करूंगा। ठीक है, ये सब जबरदस्ती खिला रहे और मना कर रहा है, बरा नहीं वो देखो देखो, अरे नहीं खा रहा, नहीं खा रहा, जबरदस्ती। सब लोग अब तैयार हो रहे हैं वापस नीचे जाने के लिए। चश्मे वश्मे पहन लिए सबने। ये देखो देखो देखो, ये लोगों पे गिर रहे हैं, ये सारे अपने ही लोग हैं। फिर समेट के इनको नीचे लेके जाना पड़ेगा। भूति मिलेगी और भूतियाँ उठाओ। से बाबा जी की भूति ये हम अब ट्राई कर रहे हैं। हम चल रहे हैं 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम नीचे उतरते हैं। मैं तो बड़ा सही हूँ, मतलब घुटने उठने सब ठीक होगा, मैं तो फुर्ती से उतर रहा हूँ। ये लोग थके हुए कहेंगे, ये पीछे आ रहे, ये थके हुए आ रहे, इनको मैं मतलब खींच के लाना पड़ रहा है बहुत बड़ों से। बाकी इधर देखो ये बर्फ गिरी हुई है, मैंने ना स्नोफॉल नहीं देखी, मतलब गिरते हुए नहीं देखी, ऐसे पड़ी हुई आज मैंने पहली बार देखी है। ऐसा लग रहा है किसी ने ना, जैसे झाग होता है ना, ऐसे लग रहा है रुई झाग ऐसे। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, देख रहे हैं। आए रुक जा, अभी उड़ेगा ये, अभी यात्री चढ़ रहे हैं। इधर हम थोड़ा सा रुक गए, ये भैरव मंदिर से नीचे आते हुए एक पॉइंट है खाने पीने का, और इधर पकोड़े चाय मिलते हैं, इधर लोग बैठे रहते हैं खाते हैं, इधर वॉशरूम वगैरह, मतलब इधर थोड़ा रेस्ट करते हैं। और इनका सही है, आराम से बैठ के जा रहे हैं। ये देखो भाई इधर हिरन, बैग में ये सब खा रहे इधर खास। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सांझी छत, सांझी छत में हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, घर वाले भी आ गए हैं। ये सब देखो सब लोग वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मतलब वेट नहीं कर रहे। अब जब सब आ जाएंगे फिर हम रुकेंगे दुकारी, फिर हम आप कुछ खाएंगे पियेंगे फिर नीचे चल पड़ेंगे। चलो इधर मिलता है हलवा प्रसाद, यहाँ से एंट्री, और यहाँ लाइन लगी है, यहाँ से मिलेगा प्रसाद। ये मिला है प्रसाद, अब ये सबको ख़त्म करना है इधर ही प्रसाद, और ये ख़त्म करना है, छोड़ना नहीं है। चाय भी है, अब चाय भी आ रही है। प्रसाद खा रहे हैं, खा रहा इधर घोड़े खच्चर खाना खा रहे हैं अपना, यार आराम कर रहे हैं घोड़े खच्चर। भाई लोग हम लोग इधर बैठे हैं चाट, फ्रूट चाट और मैगी के लिए, तो और इधर सब लोग बैठे हुए हैं, बीच रास्ते में मिल गए इन्होंने, हमको आवाज करके बुला लिया। ये सब बैठे हुए, ये देखो ये तो खाने भी लग गया मेरी फ्रूट चाट।
कैसे टूट पड़े हैं। पहाड़ों की मैगी, ये वैष्णो देवी की मैगी है। कैसी लग रही है मैगी तुम्हें? नेहरा जी अपने रिव्यू दे रहे हैं इधर कि क्या कैसा क्या। हमने पहले भी बात बताई है। हाँ वो उस ब्लॉग में देख, उस ब्लॉग में देखना। अब हम खा पीने वाले हैं बंटा। खा पी इससे पहली बार ब्लॉग बना रहा है? इससे पहली बार ब्लॉग बना रहा है? नहीं, तीन बंटा लिया हमने। फिर मम्मी और देखेंगे, बोले पी लो खास ना। फिर इधर बंदरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो पी जाएंगे बंटा। ये मैगी वैगी खा के अब फिर चल पड़े। तीन गिलास भर गए बंटे के। लहरी इसको पानी दे रहे हैं। हम पहुंच गए अधिकारी। अब यहाँ पर बाकी सब लोगों का वेट कर रहे हैं इकट्ठे होके। फिर ये भवन वाला एक रास्ता है, उसके अंदर से निकल के पुराना नया रास्ता आएगा नीचे जाने वाला। लिखा तो भवन जाने वाला है, लेकिन वहाँ से डिवाइड होता है रास्ता। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़। चलो भाई हम आगे सागर रत्न और खाने पीने, क्योंकि भोजनालय में हो रही थी बहुत ज्यादा भीड़ और सब लोग आ गए। यही एक जगह खाली थी जो हमें मिली, तो हम इधर आ गए। थक गए हम लोग बहुत बुरी तरह से, मेरी आंखों से लगी रहा होगा। ये सब आ गए, अब हम इधर ही खाएंगे पियेंगे। ये भी मिल गया, वो अंकल बैठे हुए हैं। यानी वही 25,000 हो गए। ऑटो ऑटो चल भी 25,000 ही चल रही है। घड़ी भी थी मेरी, मेडल अचीव करता मारो। ये अपनी कहानी बता रहा है, ये यहाँ पर वो कर रहा है कि कितना चला है कितना नहीं। कितना चला है तू? ओ बंद हो गया। 13,803 चला है। 414 कैलोरी बर्न कर ली है। हाँ ये पता नहीं क्या कैलोरी बर्न कर रहा है। डोसा आ चुका है, खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये इनकी राय है नमक तेज। चलो कोई बात नहीं, हम तब भी खाएंगे। डोसे से पेट नहीं भरा तो इन्होंने राजमा चावल भी मंगा लिए, और मैंने गुलाब जामुन भी मंगाया, वो आते होंगे। ये देखिए क्या क्या मंगा रहा है, खाना खाया नहीं जा रहा। ये कैसा है, ये कैसा है? ठीक है, इधर भी आ गए सब लोग। ये खा रहा है और वो भी खा रहा है, और सब लोग आ गए अभी इकट्ठे। अब सब लोग खा रहे हैं। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, छोटी सी गुफा निकलती है यहाँ से। नए रास्ते से भी नीचे जा सकते हैं। नहीं पता है, पता है यहाँ। अब हम ये नए रास्ते पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से है 4 किलोमीटर लंगर, और हम स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि 4 बज चुके हैं और हमें वहाँ कैसे तैसे 7 बजे तक पहुंचना है नीचे। तो हम स्पीड में जा रहे हैं। अब दर्द गया भाड़ में। अब बिना दर्द के हम नीचे जल्दी पटपट करके उतर जाएंगे। उधर गया तक एक जादू दिखाए, देखो बस ये देखो। इतना अच्छा पर ये आंखों में ना चले, चुभेंगे बहुत। ये देख देख देख, ये बालों में भी गिरे हुए तुम्हारे। अब चलो बाल बाल साफ करें। यहाँ अब लंगर खाने का समय हो चुका है। जाते हुए तो हमने खाया नहीं था क्योंकि लेट हो रहे थे, अब हम लोग खाएंगे। यहाँ का व्यू, इधर पानी रहता है अभी भी है नहीं। मखोले उड़ा रहे मखोले। हम लोगों ने हलवा मंगाया और हलवा खा रहे हैं, और एक गिलास चाय जो ये पूरी पी जाएगी।
अब हलवा बड़ा टेस्टी है, खा के देखा था मस्त बढ़िया। तो अभी बज चुके हैं 6:30 शाम के और सीन ऐसा है कि जो सबसे पीछे थे वो पहुंच चुके हैं, जो सबसे आगे थे यानी हमें लास्ट में, क्योंकि मम्मी और पीछे आ रहे हैं, वो बहुत धीरे चल रहे हैं और पैरों में दर्द हो रहा है उनके, तो हम उनके साथ साथ आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए हम लास्ट हो गए। कोई नहीं, वो हमारा उधर वेट कर रहे हैं, हम भी बस पहुंचने वाले हैं। 6:50 हो चुके हैं और अब हम बस आखिरी मोड़ पे हैं और उतर चुके हैं। अब आ चुका है चेक पॉइंट, आप पीछे देख सकते हो, और मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, थक चुका हूँ मैं बुरी तरह। अब सीधा ट्रेन में जाके ऐसे लेट जाऊँगा लोअर बर्थ में ऊपर। यह सर ये मम्मी का वेट कर रहे, मम्मी भी आ गए, मम्मी और ये आ रहे दोनों धीरे धीरे आ रहे थके हुए। हो गई उतराई, शुक्र भगवान माता रानी धन्यवाद, बोरा चेक पॉइंट और चलो चेक पॉइंट भी आ गया। अब हम इधर अपना कार्ड ये सबमिट करा देंगे और फिर उसके बाद जाएंगे हम स्टेशन। सब लोग मिल गए इधर और कार्ड इधर जमा हो गए। ठीक है मित्रों, यात्रा हमारी यहीं समाप्त हुई, सफल हुई और ये भी ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अच्छा लगा हो तो क्या लाइक मांगू इसमें, कोई नहीं, आप ब्लॉग एंजॉय करो, हमने भी यात्रा को बहुत एंजॉय किया। बस टायर दुख रहे हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो सब लोग अपना, टाटा जय माता दी।